हेलो एवरीवन सीए इंस्टीट्यूट ने फाइनली मे 2021 ट्वेंटी वन के लिए नए स्टडी मटेरियल अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिए जस्ट डे आफ्टर दी नवंबर 2020 एग्जाम इंस्टीट्यूट ने स्वागत के रूप में नया स्टडी मटेरियल पब्लिश किया है और ऑडिट से रिलेटेड हमारे मटेरियल का डिस्कशन है मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में कर चुका हूँ दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू कोर्स ज नो रेलिवेंट फॉर दल्ड कोर्स एज फार्ट नहीं है बट जो नए क्वेश्चन स्टडी मटीरियल में एड हुए हैं क्या वो आपके लिए रेलिवेंट हो सकते हैं इज समथिंग विच वी विल टच अपॉन सो लेटमी फर्स्ट शो यू वेर दीज नोट्स आर एंडमेंट

इन कंपेरिजन विद्रीवियस मटीरियल था उसके कम्पेरिजन में नवंबर ट्वेंटी एडिशन में क्या बदलाव उन्होंने किए हैं सिग्निफिकेंट चेंजेस इन्होंने अमेंडमेंट शब्द यूज नहीं किया है जो कि सही है क्योंकि ज्यादातर बदलाव आर मोर इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग द स्टडी मटीरियल रादर देन इन कारपोरेटिंग द अमेंडमेंट एंड आई एक्सप्लेन इट फर्दर

आप टेलीग्राम चैनल या फास्ट की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हो ये पर्टिकुलर वन पेजर पीडीएफ को यहाँ पे हमने व्हाट आई एव एक्सप्लेन दिस कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टडी मटेरियल 2020 और 2021 में कितने एग्जाम्पल्स थे कितने इलस्ट्रेशन थे और कितने आखिरी में जो टेस्टी और नॉलेज क्वेश्चन दिए जाते हैं वो थे लेट मी गिव यू बैकग्राउंड बिफोर आई एक्सप्लेन दिस शीट टू यू स्टडी मटेरियल 2021 में दो तरह के चेंजेस हैं एक जिन्हें हम कहेंगे अमेंडमेंट्स क्योंकि इंडेस अमेंडमेंट रूल्स 24 जुलाई 2020 को पब्लिश किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेट अफेयर्स द्वारा और उसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन में बिजनेस की डेफिनेशन लीजेस में एक कोविड रिलेटेड रेंट कंसेशन की अकाउंटिंग में एक एक्सेप्शन अलाउ करना

सब्स्टेंशली और इवन मार्जिनली अफेक्ट वॉट यू ऑलरेडी स्टडीड मोस्ट ऑफ दीज अमेंडमेंट्स वुड बी एन एडिशनल डिस्कशन एंड इट विल नॉट रियली चेंज योर एग्जिस्टिंग आंसर एक्सेप्ट सम थियोरी आंसर्स विच वु रिलेट टू डेफिनेशन ऑफ बिजनेस और मटेरियलिटी हावेवर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने पढ़ा है वो मोरली सेम रहेगा कोविड नाइनटीन डेफिनेटली एक ऐसा एरिया है जिसको हमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोर करना है बिजनेस आइडेंटिफिकेशन में भी कुछ न्यूमेरिकल इन्वॉल्व होते हैं बाकी सब कुछ थल ये बात हो गई इंडियज अमेंडमेंट रूल्स ट्वेंटी ट्वेंटी इसके अलावा और कोई अमेंडमेंट आया गया सर क्योंकि हमने उस दौरान आपका वीडियो देखा था जिसमें आपने बताया था क्या क्या अमेंडमेंट है ब्रीफली पर हमने तब ये भी सुना था कि बहुत सारे और अमेंडमेंट्स हैं जो आने वाले हैं तो क्या इसके अलावा कुछ और अमेंडमेंट्स है द आंसर इज नो सुनी सुनाई बातों पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आई टेल माई स्टूडेंट अमेंडमेंट कितने आने वाले हैं देखना है तो आप आई एफ आर एस आई एस बी की साइट पर जाइए और देख लीजिए कि आई एफ आर एस में क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं हम उसे फॉलो करते हैं आप इजीली पता कर सकते हो कि क्या इंडेस में अमेंडमेंट्स एक्सपेक्टेड है हाँ कंपनीज एक्ट का कोई अमेंडमेंट है जो आपकी अकाउंटिंग को अफेक्ट करेगा जो कि अब सब्सटैशली अफेक्ट करता नहीं है क्योंकि प्राइमरली अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन इंडेस तो बात अलग है अदरवाइज एज सच इनमेंट कैन वेरी वेल बी वी फॉलो देम वी डू नॉट लीडमेंट सर एक कोविड नाइनटीन एफेक्यूज की भी काफी चर्चा हुई थी एंड दैट वॉज अगेन थिंग वेर देर वॉज ऑफ एक्साइटमेंट क्रिएटेड अराउंड वॉट वॉज राधर रिक्वायर्ड सम एनलाइटनमेंट कोविड नाइनटीन के एफिक्यूज ए वर नॉट अमेंडमेंट हालांकि उसे मार्क किया गया था एज एन अमेंडमेंट कुछ लोगों के द्वारा विच इज नॉट करेक्ट इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑफ स्टडीज ने क्लैरिफाई किया था कि यह सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू कोविड रिलेटेड है एज इन कोविड के कारण मेरी नॉर्मल प्रोडक्शन केपेसिटी चेंज होगी क्या इंपेरमेंट चेक करना होगा क्या स्टफ लाइक दैट

एस सच नहीं हालांकि हमने उसका एक वीडियो बनाया था और उसमें कोविड कोविडीन के अपने जितने एफेक्यूज थे वो सारे एक एक करके हमने डिस्कस किए थे और नवंबर 2020 में क्योंकि समय उस समय स्टूडेंट्स के लिए कम था और वो इंपॉर्टेंट नहीं थे तो एक रिवीजन वीडियो भी हमने क्वेश्चन आंसर्स और एफेक्यूज ऑफ कोविड का शेयर किया था आई वुड सजेस्ट कि आप उसे देख लें जस्ट इन केस उसका कोई रेलिवेंस हो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए लेट्स नॉट अवॉइड बट देन तो, सिर्फ एक चीज है वो है अमेंडमेंट रूल्स 2020 के कारण जो चेंजेस कुछ स्टैंडर्ड में हुए हैं वो विच इज नॉट क्रिएटिंग स्टडीड बट द मेजर चेंज जो इंस्टीट्यूट स्टडी मटीरियल में लाया है क्वेश्चन अगर आप देखेंगे <coughs> तो मैंने यहाँ पे टोटल लगाया जबकि अभी एक मॉड्यूल चार में से पब्लिश इंस्टीट्यूट नहीं किया तो जितने मॉड्यूल्स पब्लिश हैं उसमें मैंने कंपैरिजन किया पुराने मॉड्यूल्स में 235 थर्टी फाइव एग्जाम्पल्स थे इन द न्यू मॉड्यूल दैट हैज बीन टू इंस्टीट्यूट हैज है तो तो एक्सप्लेनिंग के लिए एक्सप्लेनेशन तो के पॉइंट ऑफ व्यू से पर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में आ सकते हैं And sixty odd test your knowledge questions have been added. Yani direct direct agar dekha jaye one sixty five jisme se almost hundred and twenty odd possible to come in exam questions add kiye ga. And this is something which is the key to this study material twenty twenty one. And this is where I would explain. Kya

ये नया स्टडी मटेरियल है मे ट्वेंटी से अपलिकेबल है पर इसमें क्वेश्चंस आए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो नवंबर वाले स्टूडेंट्स को कर लेना चाहिए कई सारे स्टूडेंट जो अपनी पूरी प्लानिंग करके बैठे थे उन्होंने अलग से समय निकाला उनको प्रैक्टिस किया अ काइंड ऑफ सो बेसिकली अ काइंड ऑफ रेस्टलेसनेस क्रिएटेड अब इससे हुआ क्या स्टूडेंट ने वो सारी चीजें करी अल्टीमेटली उससे रिलेटेड कोई भी नया क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया था

आई होप आई एम वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ वडा चेंज इन द स्टडी मटीरियल इसके अलावा जो चेंजेस हैं उसके लिए आप इंस्टीट्यूट के वो पेज देखिए इनिशियल पेजेस जिसमें उन्होंने बताया है कि हमने कहीं चार्ट इंप्रूव किए हैं कहीं कोई लाइन इंप्रूव करी है कोई क्वेश्चन गलत हो गया था उसको सुधारा है उसके आंसर को इंप्रूव किया है हम एज सच भी उनकी थ्योरी और कंटेंट नहीं देखते हैं क्योंकि हम इंडेज से पढ़ते हैं इसलिए आपने देखा इंस्टीट्यूट को पिछले तीन अटेम्प्ट से हर बार हम कोई ना कोई उनका क्वेश्चन करेक्ट करा रहे हैं इंक्लूडिंग नवंबर 2020 की आरटीपी टी से Because हम इन डेज को बेस बनाते हैं सिर्फ एक क्रॉस चेकिंग कवरेज पूरी है या नहीं तो हम ऐसे भी स्टडी मटेरियल नहीं देखते देखते हमें आखिरी बात पर आ जाते हैं कि नाउ वी विल डू इफ यू ऑलरेडी डन आर बैचेस स्टार्टेड आर बैचेस प्लानिंग आर बैचेस फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सबसे पहली चीज जिन स्टूडेंट ने अपनी क्लासेस कर लिए उन्हें दो वीडियोस देखना है एक इंडेस अमेंडमेंट रूल्स 2020 का दूसरा जो ये 160 एंड क्वेश्चंस एड हुए हैं उनका ये दोनों वीडियोस आई विल बी शेयरिंग विद ऑल आर स्टूडेंट्स थ्रू अ गूगल ड्राइव और सम और अदर मीडियम वेर यू कैन इजीली वॉच देम फिनिश नेक्स्ट जो स्टूडेंट अब बैच लेने वाले By 15th of December, I will update the existing batch with all these amendments and changes. to so, jo batch aapko 15 December ke baad milegi uska ek ek lecture as per India's Amendment Rules 2020 amended hoga आपको कोई अलग से amendment lecture देखने की जरूरत नहीं है। In fact, हम already वो process शुरू कर चुके हैं और lectures को update करना start किया जा चुका है।

एंड जो स्टूडेंट अब ऐसा चाहते हैं कि हम ऐसी बैच करें जिसमें अमेंडमेंट रूल्स तो आपने बोला आपने कवर कर दिए बैच में जो अपडेट 15 दिसंबर को मिलेगी बट हम चाहते हैं कि साथ ही साथ में हम नए स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी इनकॉर्पोरेट करके बैच करें तो उन लोगों के लिए वी आर स्टार्टिंग अ लाइव बैच ऑन फिफ्टीन ऑफ डिसम्बर लाइव एट होम हॉस्टल ट्रेन बस ऑफिस जहां से आप क्लास करना चाहते हो एंड आई एम शेयरिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एंड आई रियली विश कि आप अपने जीवन के कुछ 15 मिनट निकाल के उस वीडियो को देखें जिसमें आई हैव इन टर्म्स ऑफ लाइव बैचेस एट होम अपन कैसे रन करेंगे इन दैट बैच आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग व्हिच इज एज पर द अमेंडमेंट प्लस एज पर द स्टडी मटेरियल 2021 ऑल क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेटेड आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर इन सबका टोटल लगाओगे एग्जाम्पल्स को अगर मैं साइड में कर देता हूँ फॉर अ मोमेंट तो इनिशियली देर आर समराउंड लाइक फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी ऑट क्वेश्चन हम करते हैं थर्टीन हंड्रेड प्लस क्वेश्चन इन द क्लास इनकॉर्पोटिंग सो मेनी अदर थिंग्स अब वो वन सिक्सटी फाइव बढ़ गए इसमें से कुछ अमेंडमेंट रिलेटेड हैं कई सारे एम टी पी आर टीपी के क्वेश्चन को इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया ये सबको नेट कर दो तो भी सौ ऑड क्वेश्चन होंगे जो एडिशनल होंगे जो हम स्ट्राइकर फोर पॉइंट जीरो में इंक्लूड करेंगे and we will run that particular batch which will cover everything and this was also the reason that we didn't announce the batch earlier why I am saying this is aisa maine hai in 2017 jab new course aaya tha. August 2017 when the new course was announced I have seen student joining the batches jab tak institute ka study material hi nahi aaya tha. it came in somewhere in October. Aur,

अमेंडमेंट छोड़िए कोई क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट में नया ऐड होता है एम टी में कुछ भी आता है सब चीजें डिस्कस करके स्टूडेंट के साथ वीडियो शेयर किया जाता है बट वी थॉट वी विल स्टार्ट अ फ्रेश बैच ओनली आफ्टर द न्यू मटेरियल कम्स इन दैट इज व्हाई वी हैड केप्ट आवर न्यू बैचेस ओनली आफ्टर द स्टडी मटेरियल टू बी अनाउंस बाय द इंस्टीट्यूट आई एम एक्सपेक्टिंग मॉड्यूल थ्री जल्दी आ जाएगा एंड वी विल रन आर बैचेज एज पर द रिवाइज अपडेटेड स्टडी मटीरियल ओनली

एंड हाउ वी विल बी शेयरिंग एक आखिरी दरखास्त हो सकती है स्टूडेंट की सर यूट्यूब पर क्या अमेंडमेंट आएंगे सारे जितने अमेंडमेंट्स आए उनके वीडियो मैं यूट्यूब पर शेयर कर दूंगा सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स कैन वॉच इट जो एडिशनल क्वेश्चन एड किए गए इज समथिंग विच एल बी शेयरिंग थ्रू द गूगल ड्राइव मोड और समथिंग स्टूडेंट्स अगर उसमें कोई इनकनवीनियंस फेस करते हैं लेट मी नो वी विल ट्राई टू फाइंड एन ऑल्टरनेट फॉर यू थैंक यू